खेतों में फसलों के साथ गरीब किसानों के अरमानों को रौंद रहे हैं। गोवंश। किसान दिन रात कठिन परिश्रम से फसल उगाता है, लेकिन आवारा जानवर चौपट कर जाते हैं। बीएस लाइव न्यूज निघासन खीरी से संवाददाता आरजे संतोष कुमार की रिपोर्ट। निघासन क्षेत्र के किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी जिस खेती से ही चलती थी, अगर वही खेती चौपट होने लगे तो किसान पर क्या गुजरती होगी, यह वही जानता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और उनके दर्द को समझता हो। जब किसान की उगाई खेती नहीं बचेगी, तब हमारी और आपकी थाली में रोटी भी नहीं पहुंच सकेगी। आजकल खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों की बढ़ती तादाद ने किसानों को हद से ज्यादा परेशान कर रखा है, बल्कि अब तो ये रखवाली करने वाले पर आक्रमण भी करने लगे हैं। महंगे उर्वरक, बीज, पानी, बिजली तथा कड़ी मेहनत से खड़ी की गई फसलों को नष्ट करने से किसान अवसाद में आने लगे हैं। कड़ी धूप, बरसात, सर्दी आदि मौसमों की दिक्कतों का सामना कर उगाई गई फसल को जानवर उसके सामने ही बर्बाद कर डालते हैं। किसानों की उपज की आखिर सुरक्षा क्यों नहीं, जिम्मेदार मौन क्यों, खुले में पशु दिखाई ना देने वाला आदेश धराशायी। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आरजे संतोष कुमार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ग्राम पंचायत लालपुर के गांव लोनियनपुरवा में मैं इधर से गुजर रहा था तो हमारे राजा राज राजेश्वर सिंह के खेत में इस प्रकार से जानवर फसल को नष्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं जब बात करता हूँ सेक्रेटरी साहब से या प्रधान जी से, तो यही बताते हैं कि जानवर पकड़वा लिए गए हैं, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं किस प्रकार से जानवर फसल को नष्ट कर रहे हैं।